नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी यादव, नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस एचपी प्रिंटर की, जो कि आप देखिए बहुत ही फेमस प्रिंटर है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एचपी लेजर जेट MFP प्रिंटर। दोस्तों ये प्रिंटर सबसे रफ़ एंड टफ प्रिंटर है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला प्रिंटर है, सब जगह आपको ये मिल जाएगा। इसमें बहुत ही कम फॉल्ट आते हैं। दोस्तों आज एक फॉल्ट आया हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो पेज है आप देख रहे हैं, इस टाइप के पेज इसके अंदर आ रहे हैं, यानी प्रिंटिंग में ये इस टाइप के ये प्रिंटिंग दे रहे हैं, जिसमें देखिए कुछ में लाइनिंग आ रही है और कुछ में इस टाइप से प्रिंटिंग आ रही है। जबकि दोस्तों इसके अंदर ये जो इसका जो मैनुअली प्रिंट निकालते हैं अंदर की साइड का, इसके अंदर जो डेमो के लिए जो पेज आता है वो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि जब इसके अंदर हम स्कैनिंग करके प्रिंट निकालते हैं यहाँ पर पेज रख कर, तब तो दोस्तों इस टाइप के प्रिंट आते हैं। और दोस्तों जब इसके अंदर जो डेमो प्रिंट निकालते हैं इसका, तो बिल्कुल से क्लीन आता है। इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर का कोई फॉल्ट नहीं है, स्कैनर का फॉल्ट है, यानी ये स्कैन करता है उस समय प्रिंट जो है वो ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों क्या फॉल्ट आया हुआ है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अभी चलते हैं इस प्रिंटर की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका फॉल्ट जो है वो दूर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये है यहाँ पर अभी HP का लेजर जेट M1005 MFP प्रिंटर, और इसमें दोस्तों फॉल्ट देख रहे हैं आप, ये फॉल्ट आया हुआ है। तो जब इसमें कागज़ ऊपर से रख के प्रिंट निकालते हैं तब तो बिल्कुल से बेकार रहता है। और ये दोस्तों डेमो पेज है, बिल्कुल से साफ़ आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों इसके अंदर प्रिंटर के अंदर की कोई मिस्टेक नहीं है, ये जो स्कैनर है इसमें कुछ फॉल्ट है। तो दोस्तों इसको अपन खोल लेते हैं, मैं आपको खोलना सिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से खोलना है। इसमें दोस्तों जो बिल्कुल से स्टार वाला पेज का सबूत लगेगा, न प्लस वाला न माइनस वाला ये नहीं लग रहे हैं, तो एक स्टार का पेज का साथ है स्क्रू टाइटर वाला, वो लगाना है इसके अंदर दोस्तों। तो इसके अंदर ये कुछ स्क्रू हैं सारे के सारे, इसको आप खोल लीजिए और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपन इसमें सारा खोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खोल लेनी। इसमें देखिए आप सामने देख रहे हैं अभी तीन स्क्रू तो ये हैं, और इसके नीचे की साइड में भी एक स्क्रू आता है यहाँ पर, ये वाला स्क्रू खोल लेना है। इसको थोड़ा सा उठाकर आगे से, इसको पूरा मत उतारना ये दोस्तों, आगे वाला ये जो जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर छोटा सा पन्नी सी दिखाई दे रही है आपको, ये फेंकनी पड़ेगी, ख़राब हो जाती है, लघु प्रिंटर में फेंक देते हैं लोग, इसको पूरा मत उतारिए, थोड़ा सा उतार के इसमें यूज़ में ले लीजिए। बाकी इसको चिपकाना भी नहीं पड़े, रहने दो ऐसे ही, चिपकेगा तो नाश हो जाएगा ये पर प्रिंटर एकदम से। तो इसको ज़रा सा दर से उठाकर, और इसमें देखिए ये एक छोटा सा स्क्रू आपने खोला है और इसमें एक पत्ता, इस पत्ते को अलग कर लीजिए। और अब इसमें आप स्क्रू देखेंगे कि कितने स्क्रू हैं, सारे सारे खोल लीजिए। सारे स्क्रू जो है वो इस स्टार वाले पेचकस से खुल जाएंगे। ये देखिए जितने भी स्क्रू आप देख रहे हैं 5-6 स्क्रू आएंगे इसमें सारे, ये सारे खोलने हैं आपको। तो इनको स्टेप बाई स्टेप सभी के सभी जो स्क्रू हैं इनको खोल लीजिए। ये देखिए यहाँ से भी खोल लेते हैं, और ये वाला पार्ट जो है अब यहाँ से उठाना है। लेकिन दोस्तों जल्दबाजी न करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार आपको यहाँ से उठा के मैंने बताया है, लेकिन इसमें सारा पोर्शन दोस्तों एक साथ धीरे धीरे उठेगा। तो ये पत्ता है, इस पत्ते को यहाँ से निकालना है। सबसे पहले आप ऐसे ही करेंगे, इसी प्रकार से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐसे नहीं करना है आपको। आपको स्टेप बाई स्टेप देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसको यहाँ से उठा लेना है, इसको खोलने के बाद में, और इसके पीछे की साइड में, इसके जो पीछे की साइड आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर तीन दोस्तों छोटी छोटी सी क्लिप सी लगी हुई है, इन क्लिप को ऊपर उठाना है आपको। तो ये दोस्तों आराम से जो है वो निकल जाएगा। तो आपको कैमरा बिल्कुल से पास करके दिखाता हूँ मैं कि कैसे करना है। इसके पीछे साइड में ये देखिए क्लिप है तीन, इसको बिल्कुल से इजीली उठा लेना है। दोस्तों ये प्रिंटर बहुत शानदार बनाया है, खोलने का तरीका भी बहुत शानदार है, आसानी से खुल जाता है। तीन तो क्लिप पीछे की साइड में है, सारे स्क्रू आपको खोल देने हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें नहीं तो लॉक टूट जाएंगे। तो मैंने आपको करके दिखाया था कि आप क्या क्या करेंगे, वैसे नहीं करना है। अब देखिए ये पत्ता आराम से बाहर निकल जाएगा, और ये स्कैनर वाला पार्ट है, बिल्कुल से क्लीन पार्ट आप दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक है, जो मिट्टी वगैरह इसको अपन ब्रश के माध्यम से हटा देंगे। ये देखिए
ये बिल्कुल से सारा सारा जो है वो धीरे धीरे क्लीन कर लीजिए। ये स्कैनर, छोटा सा पार्ट स्कैनर का आता है इसके अंदर, इसको क्लीन कर लीजिए। इसमें थोड़ी बहुत ये डस्ट वगैरह है, इसको यहाँ से हटा देंगे। यदि आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लोअर से भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। यदि नहीं है तो ब्रश से आप अच्छे से इसमें क्लीन कर लें। पंप वगैरह होगा साइकिल वाला पंप, उसमें से आप मिट्टी वगैरह इसमें से इसकी हटा सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल से साफ पार्ट इसके अंदर है दोस्तों। इसमें मेनली क्या होता है कि अभी स्कैनर चल रहा है इसका, तो इसका मतलब है कि इसमें अभी और इसके लाइट भी जल रही है, ट्यूब भी जल रही है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये जो पत्ते आते हैं इसके अंदर मिस्टेक आ जाती है। तो इस पत्ते को दोस्तों देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए ये पत्ता, एक तो ये आता है, इसको क्लीन करके वापस डाल देना है इस पत्ते को यहाँ से, और एक ये पत्ता आता है, इसको भी यहाँ से क्लीन करके वापस डाल देना है। देखिए यहाँ से निकाल कर वापस डाल देंगे तो इसमें कोई भी कचरा वचरा आया हुआ है या कई बार इसमें कार्बन वगैरह आ जाता है तो वो सेट हो जाते हैं, बाकी इसमें और कोई मिस्टेक नहीं आती। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके नीचे क्या होता है, इसमें दो स्क्रू आते हैं, इन स्क्रू को आप अलग हटाकर, और इसके नीचे बता देता हूँ ये पत्ता यदि चेंज करना हो पूरा को पूरा तो इसको यहाँ से हटाकर, और ये पूरा पत्ता चेंज हो जाता है। देखिए अब ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है जो नीचे से आया हुआ है, ये सारा का सारा एक साथ चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको, तो इसको आप यहाँ से हटाकर पूरे पत्ते को भी चेंज कर सकते हैं। अभी पत्ते में मिस्टेक नहीं है इसलिए हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे यदि यहाँ से भी फॉल्ट दूर नहीं होता है तो इसके अंदर ये पत्ता जो अंदर गया हुआ प्रिंटर के वहाँ से क्लीन करना है। पहले यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यदि फॉल्ट दूर हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर अंदर की साइड से इसका पत्ता जो है नीचे की साइड में जो इसके राइट साइड का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको खोल कर और पत्ते को वहाँ से क्लीन करके वापस डाल देंगे। बाकी दोस्तों साफ़ कपड़े से आप इसको साफ़ कर लीजिए एक बार अच्छे से, प्रिंटर को सारे पोर्ट वोट जितने भी हैं वो साफ़ कर लीजिए। पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं पोर्ट को, यदि ज़्यादा गंदे हैं तो पेट्रोल से क्लीन कर लीजिए, बाकी आप गीले कपड़े से क्लीन करके और सूखे कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और जैसे इसको आपने खोला था वैसे आप रख दीजिए, बिल्कुल पतला सा पार्ट आता है ये देखिए, इसको आप चाहे कैसे भी रख दीजिए, ये आगे पीछे जाके सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये जो ऊपर का जो ग्लास आपको दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, पहले गीले कपड़े से क्लीन करके बिल्कुल से साफ़ कपड़े से इसमें आप क्लीन करेंगे ब्रश वगैरह से, तो प्रिंट बिल्कुल से दोस्तों मस्त वाला प्रिंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो धीरे धीरे इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और बिल्कुल शानदार दोस्तों इसका प्रिंट आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बिल्कुल से अच्छे से इसका ग्लास जो है वो साफ़ कर लिया है, और इसको इसके ऊपर वापस से रख देते हैं। और ये जो कट दिखाई दे रहा है जिस कट में से हमने इसका वायर निकाला था वैसे इसमें डाल देना है, गलत डालोगे तो दोस्तों वापस निकालना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको जैसे कैसे है। देखिए ये जैसे अपन ने इसमें जैसे सेट होगा उसी के अकॉर्डिंग डालना है, यदि आप इसमें उल्टा डालोगे तो वापस इसमें से निकालना पड़ेगा। ये एक छोटा सा कट का निशान है, ये यहाँ से क्या होता है डालने के बाद में पूरा का पूरा वापस से मुड़कर वर्क करता है। ये देखिए अभी आप देखेंगे कि मैंने इसमें कैसे डाला है जिसकी वजह से ये ऊपर की साइड में मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, वैसे देख लीजिए ये सेट नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, ये देखिए इसमें से ऐसे मुड़ के आना चाहिए था तो ये बिल्कुल से मुड़ के अभी नहीं आया है, तो इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर अभी सेट नहीं हुआ है ये। बाकी सारा का सारा जो पार्ट है वो आप इसमें से अच्छे से साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, पत्ता बिल्कुल से अच्छे से सेट कर देना इसमें कट के निशान के अकॉर्डिंग, जैसे मुड़ेगा फोल्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें सेट करना है। ये आप ऊपर वाला पार्ट भी साफ़ कर देंगे क्योंकि हमने अंदर वाला पार्ट साफ़ किया था, ऊपर वाला पार्ट अभी साफ़ नहीं किया था इसलिए ऊपर वाला पार्ट भी इसमें साफ़ कर देते हैं। वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप सारी प्रोसेस बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सारी प्रोसेस हो जाती है क्लियर। सारे स्क्रू बंद कर देते हैं, 5-6 स्क्रू जितने भी हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे स्क्रू जो भी अपन ने जैसे जैसे खोले थे वो सारे स्क्रू हम दोबारा लगा कर और इस पूरे के पूरे पार्ट को दोबारा बंद कर देंगे, और फिर अपन इस प्रिंटर को दोबारा से चला कर देखेंगे। यदि फिर भी फॉल्ट आता है तो दोस्तों इसका जो पत्ता होता है जो नीचे गया हुआ उसको भी अपन क्लीन करेंगे, और फिर भी दोस्तों फॉल्ट आता है तो जाकर हम इसके अंदर जो स्कैनर है उसको चेंज करेंगे। अभी नहीं क्योंकि दोस्तों स्कैनर में अभी कोई फॉल्ट है नहीं, स्कैनर बिल्कुल से लाइट दे रहा है, इसके अंदर प्रिंट भी दे रहा है। स्कैनर नहीं होता साफ काम नहीं करता तो दोस्तों ये प्रिंट बिल्कुल से भी नहीं आता, मतलब इसमें कुछ कुछ अंडर नीचे की साइड में प्रिंट आ रहा है, यानी पूरा ख़राब नहीं है।
इसलिए दोस्तों अभी स्कैनर चेंज नहीं करेंगे। कई दुकान वाले आपको स्कैनर को चेंज करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। एक बार ये देखिए, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। इसका भी जो पार्ट है, अभी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और इसकी पोर्ट भी बिल्कुल सही है। अभी इस ये ध्यान रखेंगे, इस पूरे पत्ते को नहीं उतारना है, आपको थोड़ा सा उतारना है, नहीं तो दोस्तों इसको फेंकना पड़ेगा। फिर इसको फेविक्विक वगैरह चिपकाओगे तो ख़राब हो जाएगा। इसके में कुछ भी नहीं लगाना, इसको पड़े रहने दीजिए। फेविक्विक लगाने के बाद फिर कभी नहीं खुलेगा ये, और खुलेगा तो सारा टूट जाएगा। तो इसको पूरे को नहीं उतारना है, और इस पत्ते को इसमें लगाकर, और इसमें आगे एक साइड में कट है उसमें लगाकर, एक स्क्रू जो है जहाँ से हटाया था अपने, एक स्क्रू आता है, पूरे को नहीं उखाड़े और इस स्क्रू को इसके अंदर कस देंगे। तो ये स्कैनर भी दोस्तों क्लीन हो गया है बिल्कुल से। यदि यहाँ से फॉल्ट नहीं भी जाता है तो भी आपका स्कैनर क्लीन है, काफ़ी सालों से ख़राब था तो भी क्लीन है। लेकिन ये चला जाएगा लगभग दोस्तों, ये स्कैनर का फॉल्ट इसमें आता है 20 के आसपास का आता है, स्कैनर 20 जो फॉल्ट है तो स्कैनर का फॉल्ट ही आता है। तो दोस्तों अभी तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन 20 फॉल्ट आता है तो भी आपको यही करना है अभी जो मैंने बताया है। अब दोस्तों इसके अंदर ये क्लीन वगैरह करके वापस से देखिए, इसका सारा सिस्टम बंद कर देते हैं, और ये प्रिंटर आपका बिल्कुल से ऊपर की साइड से क्लीन हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। ये कोई पीरियोडिक टेबल है, और इसका मैं सेम प्रिंट आपको निकाल के दिखाता हूँ इसी प्रिंटर से, जो अभी आपके ख़राब प्रिंट आ रहे थे। ये देखिए, अभी हमने प्रिंटर को चालू कर लिया है, और अब हम प्रिंट इसमें चेक कर रहे हैं कि किस टाइप का प्रिंट आएगा। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया है पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल से साफ प्रिंट, और ये पहले वाला प्रिंट है दोस्तों, इससे भी क्लियर प्रिंट जो है वो आपके सामने अभी आया है। तो दोस्तों छोटे छोटे फॉल्ट जो होते हैं वो इस प्रकार से दिमाग लगाने से सही हो जाते हैं, जिससे हम पैसे भी बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि इस प्रकार से हमने अभी प्रिंट निकाला है, ये वाला जो है, ये दोस्तों देखिए पहले का प्रिंट है, और हमने इसकी प्रिंट की जो कॉपी है वो तो दोस्तों अभी निकाली, जो किस प्रकार से हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये छोटे मोटे फॉल्ट हैं जो कि प्रिंटर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कार्य है वो बाधित हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।